we are good to go now. Savita, would you want to introduce if you can? Savita, would you want to introduce if you can? You can start, Mehul. You can do. I'll be just on and off. Okay. Yeah, you can start. Introduce yourself and you can start. Okay. Okay, fine. मैंने लास्ट टाइम भी CSI के साथ सेशन किया था. मेरा नाम है अनु आनंद और मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा कोच हूँ. और मेरा ऐसा मानना है, मैं लास्ट 3 सालों से योगा को सिखा रही हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने 200 RTTC किया है. बट फॉर मी लाइक इट्स आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर एवर, हमेशा से ही, क्योंकि मेरे पापा एक ट्रेंड सर्टिफाइड योगा कोच हैं और 40 साल से ऊपर हो गए कि वो हर दिन एवरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उठ के योगा प्राणायाम करते हैं. तो मैंने विद एज मैंने उनको देखा इतना अच्छे से उनका, मतलब जो एज के बाद जो भी इश्यूज आते हैं उनको कभी हुआ ही नहीं. ही स्टिल यंग, वो अपना डेली कोड खुद करते हैं. 66-67 ईयर्स के हैं मेरे पापा, पर वो प्राणायाम ब्रीदिंग योगा काफ़ी हेल्पफुल रहा है हर स्टेज ऑफ लाइफ में. बहुत ही हार्ड वर्किंग थे मेरे पापा, फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनको कभी कुछ अभी एज रिलेटेड कोई इशू नहीं है. जेरियाट्रिक इश्यूज जो होने चाहिए, उनका बीपी, शुगर, तो ये मेरे पास एक लाइफ वाला लाइव एग्जांपल है कि हाँ, योगा करने से कितने फायदे होते हैं. और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि योगा के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योगा से हील नहीं हो सकता है. There's nothing that cannot be cured by breathing exercises. All you have to do is to practice religiously, have faith. बस ये दो चीजें हैं. So that works. और अगर before we start the session, कैसे breathing करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जो को हर किसी को helpful हो, अगर आप में से किसी को कोई question है, कुछ भी है, तो पूछ लेते हैं. Then we'll start. ओके, नो क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टर्न ऑन देयर वीडियोस सो दैट आई कैन सी देम, आई कैन अंडरस्टैंड कि करेक्टली कर रहे हैं या नहीं. यस, प्लीज म्यूट एवरीवन. अगर म्यूट करेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा. ओके, तो जो आज है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसा है कि ये वाला आप हर किसी को रेकमेंड कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. और जो जो जहाँ पे प्रिकॉशन होंगे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होंगे, जो जिनको हाई बीपी है या प्रेग्नेंट है या कुछ ऐसा सर्जरी वाला है जिनको नहीं करना चाहिए, वो मैं बताती जाऊँगी. ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल होता है ब्रीदिंग, जब भी मैं डीप इनहेल और एक्सहेल बोलती हूँ, आपने योगा वालों को सुना होगा, वो हमेशा कहते हैं डीप इनहेल और एक्सहेल कीजिए. तो हम क्या करते हैं, फटाक से ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट कर देते हैं. तो दैट्स नॉट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट डीपली. व्हाट वी डू, हम हमेशा ही ब्रीद इन करने में ज्यादा टाइम लेते हैं और ब्रीद आउट इमिडिएटली कर देते हैं. अगर आपको टेस्ट करना है तो अभी आप तुरंत करके देख सकते हैं. डीप इनहेल एंड एक्सहेल, तो आप हमेशा ब्रीद इन करने में जो है ना वो ज्यादा टाइम लेते हैं और ब्रीद आउट इमिडिएटली कर देते हैं. तो दैट्स नॉट द करेक्ट वे. आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने का टाइम सेम रखिए. अगर 5 सेकंड लिया ब्रीद इन करने को, तो 5 सेकंड ब्रीद आउट करने को लेंगे, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल 10 times करेंगे, और आंखें मत खोलना जब तक मैं ना बोलू. ठीक है, सब लोग अपना बैक स्ट्रेट रखेंगे. दिस इज द सेकेंड गोल्डन रूल. व्हाइल डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वन मस्ट मेंटेन, no matter which physical condition he or she is in, they should maintain that their back should be straight. Agar nahi hai to koi support leke karenge, par back hamesha straight rakhna hai. Now close your eyes, shut your eyes and deep inhale and exhale. Deep inhale aur exhale karenge for 10 times everyone, and forget the rest of the world and focus on your breath only. Sirf apne saanson pe focus karenge. जितना टाइम इनहेल करने को लग रहा है, उतना ही टाइम में हम एक्सहेल करने वाले हैं. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. फोकस ऑन योर ब्रेथ, क्लोज योर आईज.
जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए आंखें बंद कीजिए और 10 डीप इनहेल और एक्सहेल करने वाले हैं. जस्ट मेंटेन कि आपका बैक स्ट्रेट रहे और इनहेल और एक्सहेल करने में आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगाएं. लाइक इफ यू आर इनहेलिंग फॉर 5 सेकंड यू विल हैव टू एक्सहेल इन 5 सेकंड. आपने 10 बार कर लिया है तो आंखें मत खोलिएगा, आंखें बंद रखिए. अपने दोनों हथेलियों का आपस में रगड़े, रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर. अपनी हथेलियों को रखे, फील द हीट जैसे गर्मी महसूस होती है उससे अपने आंखों को सेके. प्लेस देम जेंटली ऑन योर आईज एंड वेरी स्लोली ओपन योर आईज. अब अपनी आंखें खोलेंगे, ठीक है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फाउंडेशन ऑफ एवरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि हर कोई कर सकते हैं. कोई भी करेंगे तो उनको कोई हार्म नहीं. जस्ट मेंटेन कि आपका बैक स्ट्रेट रहे और ये करना है, ठीक है. बस ये इतना छोटा सा एक्सरसाइज, कुछ सेकेंड्स आपने दिए पर आपका देखोगे आपको काफी अच्छा फील होता है इतना सा करने से, ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड मुद्रा. मुद्रा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है योगा में या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में. इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा. ये जो है आपके टिप ऑफ दीज टू फिंगर्स, थंब एंड दिस वन, ठीक है. इंडेक्स को ज्वाइन किया देखो और ये तीनों साथ में रखा, ठीक है. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त ये अगर हम मेंटेन करें, ये वाला ब्रीदिंग जो अभी किया है, तो ये काफी इफेक्टिव होता है, ठीक है. तो 10 डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे. फिर क्या करेंगे, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल की जगह ओम करेंगे. जैसे आप सांस छोड़ते थे, आप सांस नहीं छोड़ोगे इस बार, ऐसे करोगे और ओम चैंटिंग करोगे. और इस ओम को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है. सो एवरीवन मेंटेन दिस अगेन. ये 10 डीप इनहेल एंड एक्सहेल एंड आफ्टर दैट आंखें नहीं खोलनी है. 3 डीप इनहेल, ओम चैंट, फिर डीप इनहेल, फिर ओम, फिर डीप इनहेल और ओम थ्राइस किया. फिर हाथ ऐसे से रख के आंख पे रख के और स्लोली आंखें खोली. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फिर से बताती हूँ मैं, बाकी लोग कंटिन्यू करें. हम ज्ञान मुद्रा ये ऐसा करेंगे, बैक स्ट्रेट रखना है और सब लोग स्माइल कीजिए प्लीज. इट हैज टू बी डन वेरी ग्रेसफुली. सब लोग स्माइल करेंगे, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा ये मुद्रा में रखेंगे. आप नीचे रख सकते हैं अमित हाथ अपने थाइस के ऊपर या कहीं पे भी चेयर पे रेस्ट करा सकते हैं, जरूरी नहीं कैसे रखना है. और उसके बाद बैक स्ट्रेट रखेंगे और डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे 10 टाइम्स. 10 डीप इनहेल एंड एक्सहेल. अपनी सांसों को महसूस करें, फोकस ऑन योर ब्रेथ. ऐसा 10 बार करेंगे. मेंटेन करना है कि कमर हमेशा सीधी रखनी है, बैक स्ट्रेट रहे. आप अगर बैक स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं तो पीछे कोई सपोर्ट, वॉल, बेड का कोई भी एंड, कुछ भी लेके बैक स्ट्रेट रखें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा. सो 10 डीप इनहेल एंड एक्सहेल. फोकस ऑन योर ब्रेथ, स्माइल, कीप योर बैक स्ट्रेट इन ज्ञान मुद्रा. सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ही ध्यान लगाएं. और जब 10 बार हो जाए डीप इनहेल और एक्सहेल, हम क्या करने वाले हैं, फिर एक डीप इनहेल करेंगे और एक लंबा सा ओम चैंट करेंगे. आपको एक्सहेल करने की जरूरत नहीं. अब सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे. उस ओम का आप जितना लंबा खींचेंगे खींचिए. इट्स अ वेरी फुल, वेरी पावरफुल वर्ड. ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी माइंड, बॉडी, सोल और आपके सराउंडिंग्स के लिए है. थ्री डीप लॉन्ग इनहेल एंड ओम. इंस्टेड ऑफ एक्सहेलिंग जस्ट कीप चैंटिंग ओम.
वापस से आंखें ना खोलें, हाथों को फिर से आपस में रगड़ें, फील द हीट, प्रेस देम जेंटली ऑन योर आईज एंड स्लोली ओपन. काफी रिलैक्सिंग होता है ये. दिस इज समथिंग दैट यू कैन एडवाइज टू एनीवन, हर कोई ये कर सकते हैं. फिर कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं कि ये वाला योगा खाने के बाद करें या ना करें, ये प्राणायाम करें या नहीं. ये जो फर्स्ट टू मैंने बताया ये कोई भी किसी भी टाइम पे कर सकता है. अभी मैंने आप लोगों को बोला है कि बैक स्ट्रेट रखना है, बैठ के करना है, पर कुछ ऐसे कंडीशन होंगे, कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन होंगे जहाँ पे लोग बैठ नहीं सकते हैं, तो आप उनको लेट के भी ये करने को एडवाइस कर सकते हो. उनके लिए भी है ये इक्वली इफेक्टिव रहेगा. नाउ अंडरस्टैंड हाउ ब्रीदिंग हेल्प्स अस इन रिकवरी. फिजिकली हम एक्सरसाइजेस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वेट लॉस करते हैं, राइट? पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम नहीं करते हैं, ठीक है? तो फिजिकली आप फिट हो गए, स्ट्रांग हो गए, शेप में आ गए, राइट? अब क्या होता है, ब्रीदिंग से कैसे अपनी बॉडी कनेक्टेड है. देखो, जब आपको बीपी बढ़ी होती है या आप गुस्से में होते हो तो आपकी सांसें कैसे चलती है, बहुत तेज चलती है, ठीक है? बहुत ज्यादा तेज चलती है, बहुत ज्यादा ही बॉडी में होता है, बिल्कुल वो भूचाल सा आ जाता है, राइट? जब आप काम हो, सूदिंग इफेक्ट है, अभी जैसे आपने किया, आपका मन शांत है, तो क्या है कि सांसें थोड़ी आराम से रिलैक्स मूड में काम हो जाती है, वैसे चलती है. तो जैसे आपने बॉडी को ट्रेन किया, आपने तो अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कभी की नहीं, अपनी सांसों को, अपने लंग्स को, अपने चेस्ट को कभी भी आपने ट्रेन किया ही नहीं, जो कि आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है. सांसें हैं तो जिंदा है, नहीं है तो जिंदा नहीं है. दुनिया में कोई भी ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिना कुछ किए ठीक हो सकता है, लेकिन योगा वाले, प्राणायाम वाले आपको करके दिखाते हैं कि आप कपालभाति करो आधे घंटे रोज, देखो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कम होता है, ठीक है? तो मतलब ब्रीदिंग आपको कितना इफेक्टिव है और कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसको कभी भी अंडर रेट मत कीजिए. फिर आपको हीलिंग में, रिकवरी में ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आपके लंग्स स्ट्रांग है, आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो यू कैन कम्बैट एनी फिजिकल एलिमेंट और कुछ भी आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है? कोई भी पेन हो, कोई भी तकलीफ हो, सब आपके दिमाग से कंट्रोल होता है. और दिमाग कैसे कंट्रोल में आ सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से. आपके थॉट्स को, आपके पूरे प्रोसेस को ये ट्रांसफॉर्म करता है. ब्रीदिंग इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ कम्प्लीटली. दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर सो इफेक्टिव एंड पावरफुल. और जब आप इसको योगा से कंबाइन कर लीजिए तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, डबली इफेक्टिव होता है, ठीक है? तो ये दो अभी हम लोगों ने सीखा. जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया, मनीष ने नया ज्वाइन किया, उनको बताऊं, हमने डीप इनहेल और एक्सहेल सीखा, जो हम लास्ट में फिर से करने वाले हैं, और ओम चैंटिंग. ये दोनों हर कोई कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि दिन में करना है, लंच के बाद करना है, डिनर के बाद करना है. ये आप रेगुलरली कीजिए, हर कोई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? ओम चैंटिंग हमने सिर्फ 3 बार ओम चैंटिंग किया, आपको 10 बार करना है. और ये ब्रीदिंग का भी 3-3 सेट करना है, 10-10-10 का 3 करना है, ओम का भी 10-10 का 3 करना है, ठीक है? 3 sets ऑफ ईच ये करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, मैं इतना कुछ कवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कम करवा रही हूँ, सो दैट कि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें, ओके? नाउ नेक्स्ट वन. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है? और ऐसे नॉसियाटिक फीलिंग हो रही है, उल्टी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो अपने दिमाग को, अपने सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं भ्रामरी. पर भ्रामरी, ये 3 उंगलियां, ये जो 3 उंगलियां, इनको ज्वाइन करते हैं, दीज 3 फिंगर्स, इनको आपस में ज्वाइन करें, 3 उंगलियों, द फोर्थ वन, ये 3 आंख के ऊपर, ये आईब्रो के ऊपर, ये जो ईयर लॉब्स होते हैं ना यहाँ पे, जो ये बोन, उसको ऐसे अंगूठे से दबाओ, 3 ईयर, द फोर्थ वन अबव योर आईब्रो, and press your lower lobe with the thumb, right? सबको समझ में आया, सब कर रहे हैं? अब ब्रीदिंग का पैटर्न समझिए. इसमें जोर से सांस लेंगे नाक से, और सांस कैसे छोड़ेंगे, मुंह बंद है, और मुंह बंद करके जैसे भंवरे गुनगुनाते हैं ना, वैसा, ठीक है? These 3 fingers, join these 3 fingers, place 1 finger above
your eyebrow, press your lips with the thumb, deep inhale, and breathe out with make that sound. ऐसा 5 से 6 बार कीजिए, 5 to 6 times. गहरी सांस लेंगे और ऐसा करते हुए सांस छोड़ेंगे. गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद की, आईब्रोज के ऊपर एक उंगली रखी, कान को दबाया, ईयर लोब्स को. डीप इनहेल एंड ऐसे 4-5 बार करेंगे. इसको कहते हैं भ्रामरी. ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है. ये भी आप हर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं. ये आपका स्ट्रेस टेंशन काफ़ी कम कर देता है. इमीडिएटली आपको आपको तुरंत से ही इसका असर दिखने लगेगा. इसका बहुत फ़ायदा है. ये भी आप हर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं. Does it help it in nausea too? Sorry? Yeah. ये आपको nausea. Yes, जो motion sickness होती है. मतलब basically this is acting as a distraction tool to combat stress. तो क्या होता है जब ये motion sickness का, तो ऐसा है कि मेरा खुद personal experience है. That's why कि हम आ रहे थे एक बार travel करते हुए, तो उस ship में बहुत ज़्यादा turbulence था and more than the 90% of the जो travelers थे उन्होंने उल्टियाँ की. कई बार क्या होता है, बगल वाले अगल वाले उल्टियाँ कर रहे होते तो खुद को भी उल्टी आने लगती है देख देख के. मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ उसमें, अभी मुझे भी ऐसी फीलिंग आने लगी. वो इतना टर्बुलेंस था कि हम ऐसे हाथ भी नहीं रख पा रहे थे, ऐसे हिल रहे थे ऐसे. तो हमने क्या किया, मैंने अपनी बेटी, छोटी बेटी को ऐसे बोला कि ऐसे करो, किसी तरह से आगे वाले सीट पे ऐसे रेस्ट करो ऐसे, और ये ब्रीथिंग वाला पैटर्न फॉलो करो. डीप इनहेल और ऐसा हमने हार्डली 10 मिनट या 15 times किया होगा. सो वी वर ओवर इट. हमको कोई एंजाइटी, कोई ऐसे उल्टी वाली सेंसेशन कुछ नहीं. बाकी में इधर उधर सब लोग उल्टियाँ कर रहे थे, मैं और मेरी फैमिली, वी जस्ट फॉलोड दिस और इतना फर्क पड़ा. तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कुछ है, या आपको कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में जैसे आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, उल्टियाँ फील हो रही है, नौशिया लग रहा है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए. एंड इट्स वेरी इफेक्टिव बिकॉज दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं ऐसे किसी का सुना सुनाया नहीं कह रही हूँ. और आप रेगुलरली कर लेंगे तो शायद आपको कभी मोशन सिकनेस जैसे प्रॉब्लम हो भी नहीं. आपको पता है ये इतना इफेक्टिव है, इतना पावरफुल है. जो लोग मेंटली आई मीन चैलेंज्ड होते हैं ना, आप अगर उनको ये बोलोगे वो नहीं कर पाएंगे. दिस इज सो पावरफुल क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन चाहिए सेंस ऑर्गन में ना, वो नहीं होता है उन लोगों, उनका वीक रहता है थोड़ा. आप ये वाला करवाओगे वो नहीं कर पाएंगे, उनका डिस्टर्ब होता है वो माइंड वाला ना, वो सिस्टम. तो ये बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में करेंगे तो ये हमको खुद में ये कितना कुछ चेंज देखने को मिलेगा. पर हम करते नहीं हैं इसलिए हमको पता नहीं होता. एक बार करना शुरू करते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, फिर आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ ये इतना इफेक्टिव है. पहले से कर रहे होते तो और अच्छा है, अभी भी शुरू किया है तो अच्छा है, और आगे और अच्छा. इम्यूनिटी बढ़ती है इससे. आप फिजिकली नहीं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो. हर सिचुएशन में आपको लड़ना आ जाता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, कुछ निगेटिविटी नहीं रह जाती है अंदर. ये छोटी छोटी चीज़ें और योग निद्रा को, इसको अपने शरीर, अपने हर दिन का हिस्सा बना लीजिए. ये तो हर किसी के लिए है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योग निद्रा, ये दो चीज़ों को बना लेंगे तो आपका स्लीप डिसऑर्डर, एनजाइटी, एनी डिप्रेशन, पेन भी काफ़ी मैनेज होता है. पेन मैनेजमेंट के लिए थोड़ा आपको फिजिकल मूवमेंट वाले एक्सरसाइजेज ऐड करने होते हैं विद ब्रीदिंग. When what we do, जब हम योगा करते हैं और उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करते हैं, कि कहते हैं ना इनहेल करो हाथे उठाओ और एक्सहेल करो और हाथ को नीचे, तो जब आप दिमाग से करते हो देन इट बिकम्स माइंडफुलनेस. नहीं तो फिर हाथ घुमाया ऐसे ऐसे किया तो वो सिर्फ एक्सरसाइज है, वो योगा नहीं है. हम आप जब सर्टिफाइड टीचर्स के पास जाते हो या किसी वेल इन्फॉर्म्ड योगी के पास जाते हो तो वो आपको बताते हैं ऐसे ब्रीदिंग करो, ऐसे ब्रीद आउट करो.
तो क्या होता है, तब उसका इफेक्ट डबल हो जाता है, तब वो योगा बनता है, माइंडफुलनेस के साथ होता है। ठीक है, तो अब जब बात हो ही रही है तो हम एक एक सिंपल सा स्ट्रेच है, वो है कि अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए ऐसे, अपने सर के ऊपर रखिए ऐसे क्राउन के ऊपर, पीठ को ऐसे सीधा हाथ को ऊपर उठाइए इनहेल करते हुए, जैसे धीरे धीरे सांस ऐसे ऐसे बढ़ रहा है वैसे अपने हाथों को ऊपर खींच के ले जाइए, एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऐसे हाथों को एल्बो को स्ट्रेट करेंगे, होल्ड कीजिए अपना ब्रेथ, नाउ स्लोली एक्सहेल एंड डाउन, सांस छोड़ते हुए लाइन, पीठ बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। बहुत लोगों को बहुत टाइम तक बैठे बैठे बैक एक होता है, तो ये बैक एक से भी आपको रिलीफ करता है, प्लस आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। कैसे करना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट मेंटेन करना है इसमें, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए स्लोली हाथ नीचे लेके आना, ऐसे ऊपर लेके जाना जैसे कोई हाथ खींच रहा हो आपका, दोनों हाथ को पकड़िए, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाइए, होल्ड कीजिए फ्यू सेकेंड्स एंड देन एक्सहेल एंड डाउन। अब क्या करेंगे ना, लेके जाएंगे इनहेल करते हुए और बहुत देर तक, जितनी देर तक आपकी बॉडी अलाउ करती है 10, 15, 20 सेकेंड तक आप होल्ड कीजिए, सांस रोक कर, ये मैम ये जो है ना ऐसे ऐसे दोनों को ज्वाइन करके उठाना है, अलग अलग नहीं, नहीं आप अलग अलग कर रहे हैं, इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके उठाना है, सौरभ की दिया होल्ड करेंगे जितनी देर कर सकते हैं, फिर एक्सहेल करके। Very good, Amit. Okay. Very nice, Anuradha ji. Some question, Mehul, I didn't understand it. Yeah, there was a question from Sauroji. It says he's a caregiver to his mom, and can she do all the exercises during the chemotherapy, during the treatment? Breathing exercises can be done anytime. What chemo? I mean, which part? I mean, what therapy she is in? In chemo? Chemotherapy, yeah. And she must right have now, under- chemotherapy. And she must have undergone any surgery previously, no? No. First one, neoadjuvant chemotherapy. In that case, she can do, no? She has not undergone any surgery recently, right? No. No, then she can do now all the breathing exercise which I am recommending right now can be done by her. And you would see that she will feel, you know, a positive change in her right after this session. And make her do it like daily. Okay. Okay, ma'am. Okay, so you can put yourself into mute. Okay. So now let's start. इसमें से जो भी बताया है आप सब कर सकते हैं, ब्रीदिंग वाले सारे कर सकते हैं, अनलेस कि आपकी लेटली कोई सर्जरी या कुछ नहीं हुई हो ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक बताया जो आप में से किसी को नहीं करना चाहिए किसी को। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और नेक्स्ट इज, अभी हम शुरू करते हैं, अपने टोज होते हैं ना, पैर की उंगलियां, उनको ना डीप इनहेल और एक्सहेल करके अप एंड डाउन करो, पैरों की जो उंगलियां हैं, पैरों को आप फैला लो, पैरों की उंगलियां, पैरों को एक्सटेंड करो, पैरों को फैला लो, जहाँ पे भी बैठे हो इफ पॉसिबल, अगर आप चेयर पे हो, ऑफिस में हो तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा लिफ्ट करो, और उंगलियां तो पैरों के टोज ऐसे ही आप दिन में ऐसे घुमाते होंगे चेयर पे भी बैठ के, राइट अमित, पैरों की उंगलियां, टोज, इनहेल एंड एक्सहेल,
चेयर पे बैठे हो तो कर सकते हो आप ऐसे थोड़ा सा ना इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए. I am doing that. I am using hands to synchronize only. Okay, simultaneously you're doing. You can do it separately. So, but just focus on your breath. Inhale or exhale के साथ करेंगे. Focus on your breath. सारा ध्यान अपनी सांस पे लगाइए. Always maintain कि आपका back straight रहे. जो भी योगा करेंगे ऐसे वाले थोड़ी थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग जो भी करते हैं इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं. पर हम लोग हर योगा में आपको इनहेल और एक्सहेल करना बताते हैं. लाइक इनहेल अप एंड एक्सहेल टो डाउन, इनहेल एक्सहेल. तो आप जब ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करके करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब आपने एंकल्स के पैरों की एंकल जो है ना ये जॉइंट उसको रोटेट करना है ऐसे जिस डायरेक्शन, ठीक है? पैरों के एंकल, पैरों के अनुराधा जी पैरों को. अगर आप चेयर पे भी है तो भी आप थोड़ा सा लिफ्ट करके लेग को कर सकते हैं. और इसमें भी क्या करना है, बैक स्ट्रेट और इनहेल एंड एक्सहेल. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. No, you can show your feet also so that others can learn. No issues. अरे I'm not in. So this way. Oh, I was not prepared for this. I thought only instruction will do. This is my job. I do it all day. Actually, most of the people are newbies here, so everyone wants to see how to do that. No, there's no. मतलब technically इतना नहीं है. आपको सिर्फ ankles घुमाने हैं पैरों के. ये देखिए, ऐसे-ऐसे घुमाने हैं पैरों के ankles. That's it. Inhale और exhale deeply करेंगे. जितना ज़्यादा oxygen है. जितना ज्यादा अपने लंग्स को ऑक्सीजन से फिल कर सकते हैं वो किया कीजिए आप लोग. तो जब मैं डीपली बोलूं इनहेल एक्सहेल तो जोर से आसपास का ऑक्सीजन खुद ही ले लेना, बाकियों के लिए बचा के नहीं रखना है. वैसे जोर से सांस लीजिए और जोर से सांस छोड़िए. फोकस ऑन योर ब्रेथ ओनली. सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान रखेंगे. फोकस ऑन योर ब्रेथ. उसके बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने ऐसे पैरों के एंकल्स को घुमाया तो अभी दूसरी तरफ घुमाएंगे. जैसे घड़ी की सुइयां इस तरह से जाती है फिर वापस. अमित जी क्या होता है ना कि आजकल तो सब ऑनलाइन सेशन ही करते हैं. तो हमारे सर कहते थे आप योगा कितना भी अच्छा करें योगा, लेकिन अगर आपको बताना नहीं आता है ना बैठ के, क्या बैठ के इंस्ट्रक्ट करके नहीं करवा सके तो आप अच्छे टीचर नहीं हो. So I am demonstrating whether you are performing or not, that doesn't matter. But people on the other hand should understand what exactly I'm trying to. नहीं, what we can do later on is एक छोटे-छोटे mat वाला, हाँ mat वाला session भी करते हैं मैं उलिंग पर. मतलब like पूरा proper mat के साथ. तभी because I was not prepared today. मुझे लग रहा था सिर्फ light breathing ही होगा और लोग भी ready होंगे क्या नहीं इसके. एक मैट के साथ करेंगे. चलिए और क्या करेंगे कि आपके जो छोटे-छोटे क्लिप्स हैं ना ऑफ एवरी एक्सरसाइज, मतलब वो एक बना के ग्रुप में रख देंगे, मतलब दे कैन ऑलवेज गो बैक एंड दे कैन सी. राइट कि एक बार उनको जॉइन करना भी सभी के लिए पॉसिबल. एंड आल्सो वी नीड सम योगा पोस्चर्स लाइक जैसे कैंसर पेशेंट को क्या होता है, उनका पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, नौजिया होता है, हंगर नहीं रहता है, ये चीजें मैं देखा हूँ बहुत लोगों. मैं खुद, मेरे फादर जो है उनका किडनी का GFR रेट बॉर्डर लाइन पे है, कभी कभी क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया था. वो कपाल भारती करने से मैं देखा हूँ उनके क्रिएटिनिन लेवल पूरा कंट्रोल पे है. हाँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो भी करते हैं ना, जो अपने माइंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दिमाग में, दिमाग के पास एक वो होता है ग्लैंड जो की सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में. जब मुझे भूख लगनी चाहिए तो उसका एक हार्मोन होता है, जब मुझे पेन हो रहा है उसका, अलग अलग हार्मोन होते हैं ना. तो जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो चीजें काम ठीक से नहीं करती है बॉडी में. तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना तो हमारा हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाता है. मतलब मुझे भूख लगनी के लिए भी हार्मोन की जरूरत होती है बॉडी में, नींद लगने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके स्किन के लिए, हर चीज के लिए हार्मोन की जरूरत है बॉडी में. लेकिन कितना कब रिलीज होगा ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका ब्रेन आपको बताता है. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसको हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं. ब्रीदिंग आपके उस ग्लैंड को ट्रेन करता है
ब्रीथिंग एक्सरसाइज. सो बी इट कपालभाती. कपालभाती इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सजेस्ट एवरीवन. अमित उसका अपना लिमिटेशन है कि किसी के किसी का अलग अलग बीमारियां हैं, फिर आपने खाना खाया है तो. लेकिन हाँ, कपालभाती इज वेरी इफेक्टिव अगर जो हमेशा से करते आ रहे हैं, या कैंसर के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव इलाज है. लेकिन कपालभाती जैसे बीपी वालों को हम नहीं कर सकते एडवाइस, ठीक है? तो उनके थोड़े बीपी के लिए भी कुछ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट का कीमो के बाद बीपी का मेडिसिन खाने लग जाते हैं. वो मैं बताती हूँ आपको वो कौन सा है. वो एक ऐसा अनुलोम विलोम प्राणायाम है जो जिससे कि हर कुछ कंट्रोल में आ जाता है. वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि मैं हर किसी को रेकमेंड करती हूँ. तो वो एक दूसरा है सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार जो भी कैंसर पेशेंट के लिए है उसके लिए ही है. वो हीलिंग में, रिकवरी में, और अगर आप हमेशा से करते हैं तो आने के चांसेस नहीं रहते. अगर कपालभाती जो लोग आधे घंटे रोज करते हैं तो उनको कैंसर होने के भी चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी में सिस्ट बनता ही नहीं. आपकी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से होता रहता है. अब अनलेस कि किसी भी चीज़ का श्योर शॉट नहीं है कि मैं बोलूँगी कि हाँ नहीं ही होगा, बट 90% ऑफ द चांसेस कि अगर कोई बंदा या बंदी आधे घंटे एक घंटे रोज कपालभाती कर रहा है तो उसको आने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होंगे ही नहीं, सिस्ट बनेगा ही नहीं. So this is the, you know, oldest science. आपके डिस्कवरी अभी हो रहे, रिसर्च अभी हो रहे हैं, आपको हर दिन नया कुछ पता चल रहा है. योगा करने से ये होगा, कोविड के टाइम में पता चला लंग्स इतने मजबूत होते हैं, तब लोग ज्यादा करने लग गए. हर दिन कुछ डिस्कवरी होता है तो आपको पता चलता है. पर ये सबसे पुराना साइंस है, सच पूछिए तो ये साइंस ही है. आपको बैठे बिठाए मैं 15 मिनट में आपका बीपी कंट्रोल करके दिखाती हूँ अनुलोम विलोम से. तो ये एक थेरेपी ही है ना. आप वहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन खाते हो जिसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, पर ये है. But that's how it is. चलिए, not get into too much into it. Pains के लिए भी हम लोग एक दिन अलग अलग दिन अलग अलग address करेंगे. तो next one जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक है ये जो है high blood pressure वालों को नहीं recommend करते हैं, लेकिन हाँ वो लोग slowly ये कर सकते हैं. इसको कहते हैं भस्त्रिका. भस्त्रिका के लिए क्या करना होगा, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे inhale करते हुए और exhale करते हुए नीचे लाना है. Deep inhale, deep exhale. जोर से सांस लेंगे. अनुराधा जी कीजिए, आप रुक क्यों गई? Inhale and exhale. BP तो चलेगा ना? I can do. हाँ, बीपी वालों को स्लो करना है, बाकी लोग थोड़ा फास्ट कर लेंगे. That's it. That's the only difference. Unless कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा शूट अप हुआ है तो आपको अवॉइड करना चाहिए. हाँ, तो नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं ना, राइट? कीजिए, इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है. बट जिनको बहुत हाई बीपी है तो उनको अवॉइड करना चाहिए. सांस जोर से लीजिए अनुराधा जी, जोर से. ऑक्सीजन जोर से लेना है और ऑक्सीजन जोर से छोड़ना है. सारा ऑक्सीजन जोर से लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड जोर से बाहर निकालना है शरीर से, ये करना है. और बैक स्ट्रेट, कमर एकदम मनीष, कमर स्ट्रेट रखिए, एकदम बैक स्ट्रेट रखिए, ठीक है? इसका 15 या 20, इसका भी आप 3 रिपीटेशन कर सकते हैं. कपालभाती के लिए कि 3-4 घंटे का गैप आपके खाने के बाद होना चाहिए. कपालभाती भी मैं बता देती हूँ, लेकिन बहुत हाई बीपी है तो रेकमेंडेड नहीं है. पेट वेट की सर्जरी है, हर्निया है, तो उनको ये रेकमेंडेड नहीं कि आपको कपालभाती करना चाहिए, ठीक है? अगर किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, किसी की सर्जरी हुई है, तो उनको कपालभाती नहीं करनी चाहिए. हाई बीपी है और खाने के बाद कम से कम 3 आवर्स का गैप होना चाहिए कपालभाती करने. कपालभाती बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है पर बहुत इफेक्टिव है. इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट द मोस्ट राइट वे ऑफ डूइंग इट, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जोर जोर से सांस छोड़ना है, झटके के साथ सांस छोड़ना क्विकली. दिस शुड बी द पैटर्न. करके आवाज नहीं निकालना है, पर क्विकली आपको सांस छोड़नी है. ये आपका सांस छोड़ने का एक पैटर्न होगा. सांस लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए. आप जितनी जल्दी सांस छोड़ेंगे उतनी ही तेजी से आप सांस लेंगे, ये शरीर का साइंस है. सो क्विकली Exhaling is known as कपालभाति. जोर से सांस छोड़ना है मनीष जी, जोर से सिर्फ सांस छोड़ते जाइए. Keep exhaling very quickly, forcefully.
कीप एक्सहेलिंग, सांस छोड़ते जाएंगे क्विकली। अब जो लोग पहली बार कर रहे हैं जल्दी थक जाएंगे, तो थोड़ा रुक के गैप ले लेंगे 5-10 सेकेंड का, और उसके बाद फिर से करेंगे सेकेंड सेट ऑफ कपालभाति। ये बहुत ही इफेक्टिव है, हर एक क्लॉट जो आपके बॉडी में है, सिस्ट है, ये सबको ठीक करता है। और वो जो पेट सब कहते हैं बाहर आ गया, टोन कैसे करना है, टोनिंग, इसमें भी बहुत हेल्प करता है ये, दैट हेल्प्स, है ना। वी आर सो ग्लैड टू हियर दिस, वी कहते बस वेट कम करना है। एक और होता है कुछ कपाल भारती या अनुलोम कुछ बोलते हैं, ओरल कैविटी का भी कुछ करते हैं। हाँ, उसको कपाल उसको कहते हैं शीतली शीत कोई, वो टंग के साथ करते हैं, और वो भी मैं आपको बताती हूँ, पर मैं उससे पहले अनुलोम विलोम बताऊंगी जो कि ज्यादा जरूरी है, मतलब बाकी लोगों के लिए उसके ज्यादा फायदा है। शीतली शीत करी जो है वो टीथ के लिए है, गर्मी बहुत है तो उस टाइम पे करते हैं, जैसे गर्म देशों में हम सिखाते हैं, विंटर्स में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी किसने ज्वाइन किया, निहार रंगून वाला, ओके, आपके लिए बता दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो अभी हमने बहुत सारी कर ली है, अभी हम कपाल भाती कर लें, आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। कपाल भाती में क्या करना है, आपको बस जोर जोर से जल्दी जल्दी सांस छोड़नी है, और सांस छोड़ने का पैटर्न होगा क्विक एक्सहेल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक बार सब लोग फिर से करते हैं कपाल भाती, बैक स्ट्रेट रखेंगे और सांस छोड़ के जाना है क्विकली। इनहेल करने के बारे में मत सोचिए, सिर्फ एक्सहेल करना है क्विकली। अनुराधा जी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत टाइम से कर रही है, मुझे लगता है कि वो जरूर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती रहती हैं या योगा करती रहती है। यस, हमें पता लग जाता है देखकर। Now relax everyone. Next one is Anulom Vilom. This is my personal favorite. ये कोई भी किसी भी time कर सकते हैं, lunch, dinner, कुछ भी खाया हो उसके तुरंत बाद कोई भी breathing exercise, ऐसे तो लोग recommend नहीं करते, पर ये वाला आप कर सकते हो। और ये इतना effective है, ये आपके blood pressure से लेके आपका stress, आपका sleep disorder और हर एक चीज से combat करने के लिए capable है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप जरूर ये 15-20 मिनट सिर्फ ये कीजिए अनुलोम विलोम। इससे इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिस इज द ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि हम प्रेगनेंसी में भी रेकमेंड करते हैं, सर्जरी के तुरंत रिकवरी के बाद भी हम रेकमेंड करते हैं, सर्जरी के बाद नहीं मगर रिकवरी होने के तुरंत बाद ये आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम। सो ये जरूर कीजिए आप लोग, हर कोई, विदाउट फेयरिंग कि अभी ये केमो चल रहा है या कुछ नहीं, आपका जो भी चल रहा है आपको इसमें फायदा ही मिलने वाला है, इसका कोई नुकसान नहीं। ओके, तो कैसे करते हैं, हम एक नोस्ट्रल को एक टाइम पे बंद करते हैं, वेदर राइट और लेफ्ट, एक चूज कर लीजिए आप, ठीक है, वन एट अ टाइम। ब्रीदिंग का पैटर्न, इसको ऐसे इनहेल किया, बंद किया, फिर यहाँ से एक्सहेल, पूरा एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल यहाँ से ही करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे और फिर इनहेल करेंगे। मतलब एक बार यहाँ से सांस लिया, इस नोस्ट्रल को बंद किया, दूसरे नोस्ट्रल से एक्सहेल किया, छोड़ा, फिर उसी से ही इनहेल किया, उसको प्रेस किया, फिर इसको बंद किया, फिर एक्सहेल एंड इनहेल करना है। समझ में आया सबको, फर्स्ट इनहेल फ्रॉम दिस, प्रेस, एक्सहेल फ्रॉम दिस एंड इनहेल फ्रॉम दिस, देन अगेन प्रेस, एक्सहेल इनहेल, प्रेस एक्सहेल इनहेल, प्रेस एक्सहेल इनहेल। ये करते वक्त प्लीज आंखें बंद कर लीजिए एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, सब चीजें दुनिया में भूल जाइए, आंखें बंद कीजिए, शट योर आईज ऑफ, वन नॉस्ट्रिल एट अ टाइम। नहीं, काउंट वाला थोड़ा सा थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी, पहले आप इसको मास्टर कीजिए, फिर 2-4-8 वाला या जो भी है वो बताती हूँ, पर आइडियली छोड़ दीजिए अभी काउंट का,
ठीक है, इनहेल कीजिए, प्रेस कीजिए, एक्सहेल कीजिए और इनहेल, प्रेस अगेन, एक्सहेल एंड इनहेल, कीप रिपीटिंग इट, शट योर आईज ऑफ, फील योर ब्रेथ, अपने बैक स्ट्रेट रखिए, कमर सीधी रखनी है ऑल द टाइम, दैट्स द गोल्डन. Keep on doing this. Don't stop. आंखें बंद कीजिए, feel your breath. Inhale from one nostril, press, exhale from other one, and inhale, press, again exhale and inhale. Alternatively, keep pressing your nostril. Inhale, exhale, press again, exhale, inhale. Repeatedly. अब धीरे धीरे सांस को तेजी से लेना सीखिए. अगर आप स्लोली ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड के साथ लेंगे इस बार. गहरी सांस, डीप इनहेल, प्रेस, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल अगेन, प्रेस, एक्सहेल, इनहेल एंड कीप रिपीटिंग इट. जब हो जाए तो फिर से हाथ प्रेस कीजिए, आंखों पर रखिए और स्लोली आंखें खोलिए. अभी ये हर बार आंखें प्रेस ऐसे हाथों को प्रेस करके ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, पूरा काम होता है बॉडी, तो एकदम से खोलना नहीं चाहिए. आंखों को ऐसे थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा वार्म किया एंड देन अगेन. All these breathing exercises adds, you know, calmness and coolness. तो ये एकदम से कूल हो गया है. फिर उसको एकदम से ये करने के लिए थोड़ा सा हीट किया एंड देन यू ओपन योर आइज. सो आफ्टर एवरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आई रिकमेंड दैट पीपल शुड डू दिस. ठीक है, तो अमित कह रहे थे टीथ वाला करवाने के लिए, जिससे कि कैविटी नहीं होती है या आपके टीथ ज्यादा मजबूत होते हैं ऐसा कुछ, तो उसके लिए तो व्हाट इज दिस कीमो जो भी लेते हैं उनके ओरल कैविटी का प्रॉब्लम काफी होता है. और कीमो के बाद देखेंगे जनरली वीक हो जाता है गम्स वगैरह. लेकिन मैं पतंजलि में एक लेडीज को एक बार देखा था, तो उन्होंने उनको भी कीमो लिए थे, लेकिन वो योगा करने से मैं देखा उनका सारा टीथ जैसे वैसे है आफ्टर 15-17 इयर्स. एक्चुअली वो दो एक्सरसाइजेस है, शीतली और शीतकरी, तो वो दो करने से आपके टीथ, आपके गम्स काफी मजबूत होते हैं और बैड ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है. सो मैं बताती हूँ उसको कैसे करना है. ये थोड़ा सा अलग है, बाकी एक्सरसाइजेस में हम नाक से सांस लेते हैं, पर इसमें थोड़ा अलग है. टीथ को ऐसे प्रेस किया अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, हाँ ठीक है. ब्रीद इन थ्रू दिस, मुंह से ब्रीद इन किया, क्लोज, नाक से ब्रीद आउट किया. समझ में आया क्या पैटर्न है? टीथ प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, सेट कीजिए, यहाँ से ब्रीद इन कीजिए मुंह से, फिर मुंह बंद कीजिए, प्रेस योर लिप्स अगेंस्ट ईच अदर एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज. जोर से सांस लीजिए, ठीक है. रूबी जी, आई थिंक रूबी पहले भी ज्वाइन किए थे. टीथ, प्रेस योर टीथ अगेंस्ट ईच अदर, ऐसे ये दांत के लिए है. जोर से सांस लेंगे, प्रेस योर लिप्स अगेंस्ट ईच अदर, ऐसे ऐसे प्रेस किया और नाक से सांस छोड़ना है. ये ऐसा ब्रीदिंग है जो हम मुंह से सांस लेते हैं मोस्टली. मैं मुंह से वाला कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं है, ये दो तीन है जो करते हैं, इसमें से ये भी एक है. टीथ दिखाइए अमित जी, पहले टीथ बाहर ऐसे, फिर सांस लीजिए यहाँ मुंह से, मतलब ऑक्सीजन से फिल किया अपने माउथ को, यस, फिर प्रेस कीजिए, फिर सांस छोड़िए नाक से. अनुराधा जी, यस, एवरीवन. पांडे जी,
वेरी गुड यस रूपी, ऐसे क्या जैसे गुस्से से दांत दबाते हैं ना, दांत खींचते हैं मिचते हैं वैसे है। हाँ, और सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है, समझ में आया? टू डू इट फॉर फ्यू टाइम्स। इससे क्या होता है ना, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको ठंड लगने लगती है, यू विल फील कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। शीतली और शीतकरी दो है। इवन आई वाज अमेज्ड टू फाइंड दैट कि उस लेडीज का एक भी दांत प्रॉब्लम नहीं हुआ था एंड सी हैड कार्बोप्लेटिन कीमो। कार्बोप्लेटिन कीमो तो सबसे दांत पक्का जिसके भी लिया है एक दो तो गया है, वो भी दो तीन साल के अंदर। मैं आपको कह रही हूँ ना अमित जी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है, अभी भी लोगों को बहुत साल लगेंगे पूरा डिस्कवर करने में कि इसके कितने फायदे हैं। मैं इसको ऑल्टरनेट थेरेपी की तरह देखती हूँ 10 years, 20 years डाउन द लाइन। अभी इंडिया में ऑलरेडी एक इनिशिएटिव हो चुका है कि जो मेडिकल फील्ड में है, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको 8-10 days का मैंडेटरी है योगा आना। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप इसको ऑल्टरनेट थेरेपी की जैसे देखेंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं होगी, शायद आप प्राणायाम और योगा से ही ठीक हो जाएंगे। और उससे अच्छा और लोगों को क्या चाहिए दुनिया में, नेचुरल हीलिंग है ना। तो टीथ के लिए ये है, आप भी आपने पूछा तो पापा करवाते थे, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चला, लेकिन ये सच में आपका बैड ब्रीदिंग भी, वो जो मुंह के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, ये ब्रश वो ब्रश करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये भी किया तो आपके टीथ बहुत मजबूत होंगे। इनफैक्ट अगर किसी को कैविटी या कुछ होती है ना तो तुरंत से फील होता है, अगर जिसके टीथ में ब्लैक हो, ब्लैक वगैरह होगा ना, ऐसा करते हैं तो उनको सेंसेशन फील होता है जोर से, ऐसा कीजिए। तो ये आपके जो ये गम्स वाले हैं ना सेल, वो पूरे ऑक्सीजनेटेड होते हैं। जब वो ऑक्सीजनेटेड वेल है तो आपको क्यों प्रॉब्लम होगी, उसके नर्व जब काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ही क्यों हो गया। हाँ, अब ये नहीं कि आप रोज चॉकलेट ही खाना शुरू कर दो इसकी वजह से कि मैं तो योगा कर रहा हूँ भैया, अब तो मुझे कुछ होने नहीं वाला मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ, दवा के चॉकलेट खाऊंगा और ब्रश भी नहीं करूंगा तो मुझे, मैं तो कैविटी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। वो चॉकलेट खाने के बाद आपको ब्रश करना ही है, रिंस करना ही है, राइट? ये करते रहेंगे तो ठीक वाला प्रॉब्लम। द सेकंड वन, आप जैसे आपने पूछ लिया है, यूजुअली मैं ये करवाती नहीं हूँ, क्यों, पीपल फाइंड इट वेरी वियर्ड, तो करते नहीं। टंग बाहर निकालिए और उनको रोल कीजिए और उसको ब्रीथ इन कीजिए और नाक से ब्रीथ आउट कीजिए। रोल योर टंग, क्योंकि बहुत लोग रोल भी नहीं कर पाते टंग को। रोल योर टंग, पहले तो टंग आउट कीजिए, पहले मुंह से बाहर निकालिए टंग, बाहर बाहर, हाँ रोल कीजिए, जोर से सांस लीजिए, खींचिए मुंह से। मेरे साथ दिक्कत है, मेरे तो जबान है नहीं। अच्छा, मेरा तो वही है, तो मेरे साथ ये नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा कुछ करेंगे, है क्या नहीं, और भी तो है। बहुत ही बढ़िया। उद्गीत कैसे करते हैं हमें भी सिखाइए, उद्गीत नहीं किया हमने आज। वेरी गुड, ये हमने शुरू में किया था ना, मनीष बाद में ज्वाइन करें, तो ये आपको ओम चैंटिंग, डीप इनहेल एक्सहेल और फिर डीप इनहेल और ओम। आप बहुत स्ट्रेस में हो, कभी भी बीपी बहुत बढ़ गया है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट फीलिंग बेटर, आप ये कर लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो अच्छा लगा मनीष, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो की प्रैक्टिस है, तो ये टीथ वाले हो गए। तो काफ़ी कुछ तो कवर कर लिया हमने, नेक्स्ट सेशन में जैसे कि कह रहे थे, मैं थोड़े वीडियोस भी बना के दे दूंगी मैं उनको वो करने के लिए, और एक बार मैट वाला भी करते हैं किसी दिन मॉर्निंग में, मेहुल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा यूएस टाइम से मैनेज करना, बट समडे वी विल हैव टू डू दैट मैट वाला थिंग, जो जितना कर पाएंगे। आपको जब टाइम रहेगा तब आप बोलिए, हम अनाउंसमेंट कर देते ग्रुप में एंड वी कैन हैव मोर पीपल टू जॉइन। या संडे मॉर्निंग, एनी संडे मॉर्निंग विल डू फॉर अस, सबको बोलेंगे
और मैट के साथ ज्वाइन करेंगे जितने लोग कर सकते हैं. अनघा थैंक यू. सो आई कुडंट सी हर, डिड शी जॉइन टुडे? या या शी वाज देयर, लेकिन वो रूम में पैकिंग वैकिंग चल रही थी. आई नो, आई अंडरस्टैंड. सो हैप्पी जर्नी अनघा, बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक्स, बाय, वेलकम. हेलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, मैं करना चाह रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था. व्हाट टाइम से. थैंक यू अनु जी, वेलकम वेलकम एवरीवन. धन्यवाद. सो इज देयर एनी योगा पोस्चर स्पेसिफिक लाइक टू इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म? एवरी योगा दैट यू डू माइंडफुली. मैं जैसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट बोलते हैं कि हमें खाने को मन नहीं होता, कुछ ऐसे कर सकते हैं? आप अगर योगा कर लेंगे ना एक घंटे, हमें मान लीजिए 30 या 40 मिनट, तो आपका स्लीपिंग और ईटिंग दोनों ही पैटर्न में आपको डे वन से ही फर्क पड़ने लगता है. मेहुल, आपका थर्ड या सेकंड डे से ही नींद वाला पैटर्न शुरू हो गया था ना? वैसे झूठे बोल रही हो, हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है. मेहुल से बात होता है, ही टोल्ड अस कि बहुत फायदा हुआ, नहीं तो उसको कान में कुछ बजता रहता था. नहीं नहीं, वो काफी मतलब डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है. तो मैं विदाउट आई एम ऑलवेज द वन हु विल टॉक ओनली इफ आई फील इट, और बहुत ही अच्छा है. आई कैन पर हां, वो है कि आप कोई सा भी आप रिलीजियसली आप कोई भी करेंगे ना ब्रीदिंग वाला, तो आपको फायदा तो होगा ही. प्लस आप दो तीन एक्सरसाइज, एक कैट एंड काउ होता है, उसके लिए भी हमको मैट चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. वो करेंगे तो उससे भी बहुत सारे फायदे हैं, मतलब बैक एक से लेके, साइटिका से लेके, आपका मेटाबॉलिज्म, जितने भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज से लेके, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उससे ही ठीक हो जाते हैं आपके. ठीक है, तो अगर आप वो वाला और एक दो एक्सरसाइज वज्रासन वगैरह ऐड किया, तो भूख तो लगती ही है. योगा करने से भूख और नींद बहुत अच्छी आती है, उसका कोई ऑल्टरनेट और नहीं है, आई डोंट थिंक. या या, बॉडी में एनर्जी भी बहुत फील होती है. एनर्जी भी बहुत फील होती है, आप नहीं लो फील होता है अदरवाइज अगर नहीं किया योगा जिस दिन, तो मुझे तो बहुत फील होता है. तो आई रेकमेंड कि थोड़ा तो करना ही चाहिए हर दिन. या या, वी विल ऑर्गेनाइज, मतलब ठीक से एक शेड्यूल बनाते हैं, इस दिन को इस योगा, इस दिन को इस योगा, एंड फिर वी विल गेट टू डू इट. हां हां, एंड वी विल एड्रेस डिफरेंट इश्यूज इन डिफरेंट डेज, ऐसा करके करेंगे. वंस अ मंथ तो वो फिजिकल वाला सेशन रखेंगे. नहीं नहीं, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कि आप अरे मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप आपका टाइम निकाल के यू आर डूइंग विद सो मच ऑफ एंथुसियाज्म एंड यू नो लव फॉर ऑल द मेंबर्स. सो थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब सब एक्टिवली इंटरेस्ट से पार्ट लेते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि करना. सो इट्स नॉट अबाउट कि कुछ थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है. सो यू आर ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और सबको एडवाइस करूंगी प्लीज करते रहिए, कम से कम ब्रीदिंग तो हर दिन कीजिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलो बाय, वेलकम, बाय बाय.